मन्नू बैलू हटा मौत है। हाँ हटा मन्नू की फोटो अच्छी आ रही है। पूर्वी पीछे पड़ो दादा रूठ गई हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से ममता ब्लॉग में स्वागत है आप लोगों का। बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ, ब्लॉग मेरा पूरा देखिएगा। और मेरा ये ब्लॉग है जन्माष्टमी का। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा लेट है ब्लॉग, पर अच्छा बहुत है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। बहुत कन्हैया, गोकुल में कन्हैया एक थे और यहाँ पर तो तीन तीन चार चार कन्हैया हैं। चार, एक कन्हैया है, एक मनसुखा, एक बलदाऊ और एक कौन, मनसुखा और सखा का एक और कौन थे। तो ये सब कन्हैया इकट्ठे हुए हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। जैसा कि शुरू में आप लोगों ने देखा ही होगा कि सभी कन्हैया और कन्हैया के जो गोपी ग्वाल थे वो भी सब साथ में है सखा। तो देखिए फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ, ब्लॉग मेरा पूरा देखिएगा। और ब्लॉग मेरा अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये ब्लॉग कैसा लग रहा है। और राधा हैं, राधा थोड़ी गुस्से वाली हैं, गुस्सा भी आ जाती है राधे राधे को। और डांस कर रही हैं राधे, और ये पता नहीं कब नाराज़ हो जाएं ये भी नहीं पता चलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तो फ़िलहाल सही है राधिका, ये तो अभी तो डांस हो रहा है राधिका का। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ। और ये देखिए छोटे छोटे ये मनसुखा दाऊ और कृष्ण कन्हैया, ये आ गए बलराम सभी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से डेकोरेशन भी की थी, मंदिर को सजाया था बहुत अच्छी तरीके से सजाया था। और थोड़े लेट तो हो ही गए थे, लेकिन सजावट बहुत अच्छी हो गई थी। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वो बज रहा है डीजे, और उसके साउंड मैंने इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि कॉपीराइट आ जाता, इस वजह से म्यूजिक नहीं लगाया है मैंने। और देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं पूरे मंदिर के अंदर जाकर दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये आ गए हैं कन्हैया, छोटे कन्हैया। ये देखिए बाल गोपाल, एक ये देखिए आ गए हैं, ये देखिए अभी ये एक और आएगा, दो और आएंगे, एक ये बड़ा आ गया ये दाऊ भैया हैं। और तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम मेरे ये कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी, मनसुखा, ये आप लोगों को कैसे लगे हैं और कमेंट में एक बात ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और राधिका यहाँ कर रही हैं डांस, राधिका का हो रहा है डांस, तो कमेंट में राधे राधे एक बार ज़रूर लिखिएगा। और राधे के लिए एक एक कमेंट तो बनता ही है, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा जन्माष्टमी का ब्लॉग है, और जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों के साथ फुल मस्ती है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा है, बहुत आनंद आया है। जैसे गोकुल मथुरा वृंदावन में आनंद आता है, वही आनंद यहाँ पर भी मिल रहा है देखने के लिए। और बहुत अच्छे से हम लोगों ने सजावट की थी, वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। वीडियो मेरी पूरी देखिए, पूरा ब्लॉग देखोगे तभी पता चलेगा कि कैसे साज सजावट मैंने की थी। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बाल गोपाल हैं, ये देखिए खेल रहे हैं, ये देखिए कन्हैया गोकुल में कन्हैया डांस भी करने लगे देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से डांस हो रहा है सभी बच्चों के साथ, हम लोगों को भी बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। तो देखिए यहाँ पर आजा। 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 आजा।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई तैयार हो रहा है, सभी भक्तगण अपने लगे हुए हैं अपने अपने कामों में। और देखिए कन्हैया और मनसुखा बलदाऊ अपने मस्त हैं, झूम रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए इन लोगों का। ये देखिए अब मम्मी जी बैठी हैं और राधिका डांस कर रही हैं। राधिका तो आज थकी नहीं, पूरे शाम से 7 बजे से अभी तक 11:30 बज रहे हैं, अभी भी डांस हो रहा है राधिका का। राधिका आज बहुत ज़्यादा डांस करती रही, आज रात को बहुत ज़्यादा थक जाएंगी राधिका। और सुबह देखती हूँ स्कूल जाएं राधिका या नहीं जाएं, देखती हूँ। तो आप लोग कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सभी लोग, हम लोग बैठे हैं, अभी टाइम हो रहा है 11:30 का टाइम हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तो काफ़ी टाइम बाकी है, 30 मिनट बाकी है। तो और राधिका कह रही थी मुझे नींद आ रही है, तो मैंने कहा अभी थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी नींद ना आए। तो देखिए यहाँ पर सभी बच्चों को नींद भी आने लगी है, तो जब तक ये रुकेंगे तब तक रुकेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर छोटे जो बाल गोपाल हैं, ये राधिका की गोदी में चढ़े हुए हैं। ये इशारे कर रहे थे कि मुझे गोदी में उठा लो, क्योंकि आराध्या पूरे दिन लिए रहती है, तो सोच रहे थे कि आज दीदी ले नहीं रही है। ये देखिए, ये कृष्ण कन्हैया जी हैं, ये देखिए, और बाद बाकी ये सब इनके बाल गोपाल सखा हैं। ये कन्हैया हैं, ये गोकुल के कन्हैया। जन्म मथुरा में लीनो, बजते बधाई गोकुल गाम। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी बधाई भी पड़ेगी जब टाइम हो जाएगा पूरा। अभी तो 11:30 बज रहे हैं, बच्चों को नींद भी आने लगी है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में ये सो जाएंगे फिर नहीं कर पाऊँगी मैं। तो मैंने थोड़ा सा अपना ब्लॉग बना लिया है, और ब्लॉग मेरा पूरा देखिएगा तभी पता चलेगा आप लोगों को और कैसा ब्लॉग है। और कमेंट में एक बार मेरा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मेरा ब्लॉग आप लोगों को ये कैसा लग रहा है, कमेंट ज़रूर करिएगा। और मन्नू देखिए, ये मन्नू खेल कर रहा है। ये देखिए बच्चों को नींद आने लगी, परेशान बहुत है, क्योंकि ऐसे सूट वूट में परेशान हो जाते हैं बच्चे। वो तो एकदम सॉफ्ट कपड़े ढीले ढाले पहनते हैं, तो उतनी दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर हर्ष बहुत ज़्यादा परेशान है, मुकुट लगा दिया था, ये बार बार हटा रहा है, लगाने नहीं दे रहा है। ये देखिए अब मनु बांसुरी लिए हुए है, बजा रहा है बांसुरी। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ, ब्लॉग मेरा पूरा देखिएगा। और ब्लॉग मेरा अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा ये ब्लॉग कैसा लग रहा है। देखिए ऊपर आप लोगों को दिख रहा है कितना अंधेरा है, और पता है आज के बारिश भी हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। 7-8 बजे से बारिश शुरू हो गई थी, और 12-1 बजे तक बारिश, जब तक हम लोग फ्री हुए तब तक बारिश होती रही। फिर तो मुझे पता नहीं हुई, रात में भी होती रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, बारिश अभी भी हो रही है। तो हम लोग यहाँ पर मंदिर में हैं, वो यहाँ पानी नहीं आ रहा है, पर उधर बारिश तो हो रही है अभी भी। तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए अब मैं चलती दिखाती हूँ मंदिर का डेकोरेशन कैसा है अंदर का, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अंदर का अभी नहीं दिखाया है आप लोगों को। और राधिका को इधर नींद भी आने लगी है। देखिए फ्रेंड्स, राधिका जी कह रही हैं कि मुझे नींद आ रही है, मम्मी सुला दो। तो मैंने कहा अभी ना सो, थोड़ी देर और रुक जाओ। फिर कह रही है कि मुझे भूख भी लगी है, तो मैंने कहा चलो खाना खिला देती हूँ, पर अभी सोना मत, क्योंकि अगर राधा जी सो जाएंगी तो सभी बच्चे ही सो जाएंगे। ये देखिए कृष्ण कन्हैया, ये भी सोने जा रहे हैं। तो राधिका को गोदी में मैंने ले लिया, तो ये सोच रहा है कि मुझे भी लो। ये देखिए चला गया अंदर, मम्मी जी आ गई थी, मम्मी जी कह रही थी टाइम कितना हुआ, कितना हो गया है देखो। तो मैंने कहा अभी तो टाइम है, आप बैठो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर राधा जी बैठी हैं, लेटी हैं हमारी गोद में।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मंदिर की डेकोरेशन है। ये कपड़े लेके आए थे, ये पहनाए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये कान्हा जी और राधिका पहने हुए हैं वस्त्र अपने। और ये यहाँ पर खीरा टांग दिया था विदिन नाड़ी के। और देखिए यहाँ पर बैलून वगैरह लगा के हम लोगों ने सजावट की थी। ये थाली लगी हुई रखी है भोजन की, पकवान की, और भोग के लिए भोग सामग्री इधर रखी हुई है। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे कान्हा जी और राधिका जी हैं। और देखिए ये बाल गोपाल खेल रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग, ये देखिए राधिका जी बैठी हुई हैं, थक गई हैं, ये बैठ गई हैं, कह रही हैं कि मुझे अब थोड़ी देर अब रेस्ट कर लेने दो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया डांस करते करते। तो राधिका बैठ गई हैं आके, कन्हैया अभी भी ना डांस कर रहे हैं। कन्हैया जी देखिए, कन्हैया जी नहीं थके हैं अभी, कन्हैया बराबर डांस कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हैप्पी बर्थडे मनेगा भगवान श्री कृष्ण का, और हैप्पी जन्माष्टमी आप लोगों को भी बधाई, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग आएगा, थोड़ा लेट आया है, पर मैंने एडिट नहीं कर पाया था, जो मैंने पहले ब्लॉग में बताया ही था मेरा लेट आएगा। ये देखिए राधा जी यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा रही हैं अपनी।